चलिए अब बात करते हैं महंगाई की। ये एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर हम रोज आपके सामने अपने कार्यक्रमों में लगातार बात कर रहे हैं, क्योंकि ये आम जनता से जुड़ा मुद्दा है और जनता इससे बिल्कुल बदहाल है। ऐसा लग रहा है कि देश में इस वक्त जो त्योहारों का सीजन है वो त्योहारों का न रहकर महंगाई का सीजन बन गया है। पेट्रोल डीजल के दामों में बिल्कुल आग लगी हुई है और लोगों की जेब के साथ साथ अब ये दिल को जला रहा है। इसका असर खाने पीने की वस्तुओं पर भी पड़ रहा है और सब्जियों के दाम इस वक्त आसमान छू रहे हैं और लगता यह है कि आम जनता की सुध लेने वाला कोई भी नहीं। सूरज ना बदली, चांद ना बदला, ना बदला ये आसमान, बस बढ़ते ही जा रहे हैं तेल, सब्जियों और अनाज के दाम। वो दिन दूर नहीं जब प्याज सुनार की दुकान पर मिलेगा और टमाटर की दुकानों के आगे लूट न मच जाए, इसलिए गार्ड तैनात करने पड़ जाएंगे। पेट्रोल डीजल की बातें तो छोड़ ही दीजिए, तेल के दाम तो ऐसे बढ़ रहे हैं कि लोग डीजल खरीद कर बैंक के लॉकरों में रख देंगे, क्योंकि जिस हिसाब से तेल के दाम बढ़ रहे हैं उससे ये इन्वेस्टमेंट का एक अच्छा ऑप्शन बन जाएगा। जनता सरकार की तरफ उम्मीद से निहार रही है, उम्मीद ये कि पेट्रोल डीजल के दाम कम कर दो सरकार, लेकिन एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल को महंगा कर दिया गया है। ये तो बेवफाई की हद हो गई। सितंबर के आखिरी हफ्ते से अब तक पेट्रोल 16 और डीजल 19 बार महंगा किया गया। बीते करीब 25 दिनों में पेट्रोल 4.65 रुपए और डीजल 5.95 रुपए प्रति लीटर महंगा हो गया है। 4 मई से 17 जुलाई के बीच भी इसी तरह से पेट्रोल की कीमतें 11.44 रुपए और डीजल की कीमतें 9.14 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दी गई थी। केंद्र सरकार कह रही है जनता पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम की वजह से परेशान है, और जब पेट्रोलियम मंत्री को इस बारे में बोलना होता है तो वो गोलमोल जवाब देकर निकल लेते हैं। We are 10-15% higher than the pre-COVID consumption, and we are of petrol and about 6-10% higher on the diesel consumption. Of course, I will not go into the issue of prices because I think the levers for that are in other people's hands, but we will continue to work towards price stability. सुना आपने, पेट्रोलियम मंत्री किसी और के सिर पर टोपी डालकर निकल दी, लेकिन जो सच है उसे तो कोई छिपा ही नहीं सकता। रेट रिविजन के बाद देश की सभी राजधानियों में पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर के पार चला गया है। देश के 4 महानगरों का रेट चार्ट ही देख लीजिए। दिल्ली में 35 पैसे बढ़ने के बाद पेट्रोल 105.84 रुपए प्रति लीटर है। मुंबई में 34 पैसे बढ़ने के बाद 111.77 रुपए प्रति लीटर। कोलकाता में 33 पैसे बढ़ने के बाद पेट्रोल 106.43 रुपए पहुँच गया है। चेन्नई में 31 पैसे बढ़ाए गए और रेट 103.01 रुपए प्रति लीटर है। सर बहुत महसूस होता है जी, बहुत महंगा पेट्रोल हो गया, खर्चे भी पूरे नहीं होते आजकल, तो अब कैसे किया जाए। अब तो सरकार को सोचना चाहिए ना कि भाई इनकी पेट्रोल पे ब्रेक लगाई जाए, या जैसे कहते हैं वैट कम करना चाहिए, वैट भी कम नहीं कर रही सरकार। क्या जो बोल रहा जी वही बोल रहा है। देखा था तो 35 पैसे प्रति लीटर बढ़ा हुआ है, इससे आम जनता की जेबों पे बहुत असर पड़ेगा, बजट तो बिगड़ गया है, बहुत दिक्कत होती है, सबकी जेब में फर्क पड़ता है। जहाँ गाड़ी पहले 2-3 दिन चलती थी वहाँ एक ही दिन पेट्रोल खत्म हो जाता है, बहुत फर्क पड़ता है जेब पर। अरे बहुत दिक्कत हो रही है, 200 का भराते जब 400 का भरा रहे हर दूसरे रोज। मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में पेट्रोल का भाव 100 रुपए के पार हो चुका है। क्या बढ़िया चल रहा है, सब भाव इतना बढ़िया है कि क्या मालूम। बहुत आपको लगता नहीं सरकारों को टैक्सेस कम करना चाहिए, आपको राहत मिले सब? तो कम करना चाहिए ना, जब तो गाड़ी चलेगी ना तो क्या गाड़ी। पहले जो हमारा महीने में 1500-1600 का पड़ता था वो 2500 से ऊपर जाके हो रहा है, तो काफी ज्यादा दिक्कत हो गई है। सारा बजट बिगड़ चुका है कि गाड़ी से कहीं जाना था लेकिन अब बाइक से जा रहे हैं, लेकिन बाइक में भी अब 200 रुपए का पेट्रोल डलवाएंगे और कैसे आएंगे,
और मेरे पे तो बजट इतना खराब है कि बजट बिगड़ा हुआ है, वो मैडम से पैसे ले रहे हैं तेल के, मैडम तेल डलवा रही है। पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, ऐसे में क्या जनता गाड़ी से घूमना ही छोड़ दे? हाँ, एक और ऑप्शन है, फ्लाइंग लाइसेंस ले सकते हैं, क्योंकि प्लेन का फ्यूल पेट्रोल से 30% सस्ता है। पेट्रोल अब हवाई जहाज में भरे जाने वाले एविएशन टर्बाइन फ्यूल से 30% ज्यादा महंगा हो गया है। ATF करीब 79 रुपए प्रति लीटर है और दिल्ली में पेट्रोल 105 रुपए के पार जा चुका है। अब आप ही सोचिए, गाड़ी चलाएंगे या प्लेन उड़ाएंगे? जनता करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या, अगर बोलना चाहे भी तो किससे बोले? बस नियाज हुसैन लखवेरा का एक शेर याद आता है, क्या खबर खुद को ही बेचना पड़ जाए यहाँ, किसको मालूम सितम कैसे ये महंगाई करे। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। अब सरकार हवाई जहाज पे सब्सिडी दे रही है कि हम लोग गाड़ी छोड़ के हवाई जहाज उड़ाना शुरू कर दें, क्योंकि उसका तो फ्यूल अभी सस्ता है जो गाड़ी में आप फ्यूल डलवाते हैं उससे। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं ओपिनियन इंडिया का, उसमें वापस आकर आपने देखा डीजल पेट्रोल से क्या तबाही मची हुई है, उससे ज़्यादा परेशानी लोगों को हो रही है सब्जियों के दाम से, वो कैसे भाव खा रहे हैं आपको दिखाएंगे छोटे से ब्रेक के बाद।